हेल्दी 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 गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खुश होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। और आज मैं थोड़ा सा लेट उठी और सच बताऊँ उठा नहीं गया, मतलब थर्ड डे है आज। थोड़ा होता है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी आती है, तो कोई बात नहीं। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि आप मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ सकते, तो आप अपना डे टाइम में भी जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप अपनी वॉक कर लीजिए। तब लेकिन ऑयल पुलिंग कभी भी आपने कुछ खा के नहीं करनी, हमेशा ऑयल पुलिंग आपने मॉर्निंग में उठ के ही करनी होती है। तो ज़्यादा लेट तो नहीं उठी थी मैं, 6 बजे उठ गई थी। उसके बाद वॉक करते करते मैंने अपनी ऑयल पुलिंग फिनिश की और अब मैंने अपनी ऑयल पुलिंग को टाटा बाय बाय किया है। तो आप लोगों को भी यही चीज़ बोलूँगी कि आप लोग अपना डिसाइड कर लीजिए कि कब आपने अपनी वॉक करनी है, कब आपने किस टाइम क्या खाना है, क्योंकि हर किसी का रूटीन अलग होता है। किसी कोई वर्किंग है, कोई हाउस वाइफ है और कोई स्टूडेंट है, तो हर किसी के हिसाब से मैं नहीं बता सकती कि वो अपना कैसे डिसाइड करे। ये आपके ऊपर है कि आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो। तो एक चीज़ ज़रूर है कि चाहे जो मर्जी कर लेना, अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लोगे, अगर आप 6 घंटे की नींद तो आपको बहुत अच्छी चाहिए ही चाहिए, चाहे आप कुछ कर लेना, अगर आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे ना तो भी आपका वेट कम नहीं होगा। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो हो जाता है, जो हेल्प नहीं करता वेट लॉस में। तो इसलिए सारी चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आपको अगर बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बनता है, बहुत ज़्यादा पैरों में जलन होता है, क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि दी मैं उठने की तो बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मेरे पैर जैसे ही मैं ज़मीन पर रखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ना दर्द होता है। तो उस सिचुएशन में एक चीज़ बोलूँगी, बिल्कुल भी चाय कॉफ़ी मत पीजिए। और अपने आप को अगर आप दे सकते हो, आप आंवले का पानी दिया कीजिए। रात को 1 लीटर पानी में 1 आंवला कद्दूकस करके आप डाल के छोड़ देना, और सुबह खाली पेट अगर आप उस पानी को पीते हो घूंट घूंट करके, एक झटके से नहीं पीना, कोई फायदा नहीं होगा। आप अगर उस पानी को हफ्ता पी लोगे, अल्टरनेट डेज पे करना, एक दिन छोड़ के एक दिन नॉर्मल पानी, तो आप खुद अपने अंदर चेंज देखोगे। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, आपकी शुगर की प्रॉब्लम, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज इन चीज़ों से दूर होते हैं। अगर आपके पास आंवला वहाँ पे नहीं मिल रहा है जहाँ पे आप रहते हो, तो आप आंवले का किसी अच्छी जगह से, मैं कोई ब्रांड वगैरह नहीं बोलती, किसी अच्छी जगह से कोई आंवले का कैंडी मत लेना, क्योंकि उसमें शुगर कोटेड होती है। आंवले का पाउडर ले लेना और रात को उसे भिगो के रख देना, आधा चम्मच ही, ज़्यादा मत लेना, और मॉर्निंग में खाली पेट उठ के उसे सिप सिप करके पीना, बहुत बेस्ट होगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे घरेलू नुस्खे मैं आप लोगों से शेयर करती रहूंगी। अपना प्यार और स्पॉट बनाए रखना और प्लीज लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। मुझे पता है कि मुझे सब कहते हैं कि आप इतनी मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, इतने व्यूज नहीं आते, पर मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ जो सच में मुझे बहुत प्यार करते हैं। कभी ना कभी तो रब मेरी भी सुनेंगे। ऐसे ही मेहनत करती रहूंगी और ऐसे ही आप लोगों को मोटिवेट में करती रहूंगी। और आज भी पूरा दिन आपको बताऊंगी कि क्या क्या मैंने अपना खाया और क्या क्या मैंने अवॉइड किया। मेन होता है अवॉइड करना, खाना इतना जरूरी नहीं होता जितना जरूरी अवॉइड करना होता है, कि हम चीज़ों को अवॉइड कैसे कर रहे हैं। थोड़ी सी आदत है और ये बच्चों की छुट्टियां ऐसी बड़ी हुई है, बच्चों के साथ खाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। जब मैं 88 से अपने आप को यहाँ तक ला सकती हूँ तो ये तो कुछ ही बड़ा है। तो एनी हाउ इतना नहीं बड़ा है जितना मैं सोच रही हूँ, पर मुझे नहीं बढ़ाना, आगे के लिए मुझे थोड़ा सा सतर्क रहना है। तो आप लोग भी रहिए, अपने आप को वेट लॉस की तरफ लेके जाइए, हेल्थ की तरफ लेके जाइए। सच बताऊं फ्रेंड्स, मैंने आज तक कभी भी कोई मल्टीविटामिन नहीं लिया। मैं ऐसे खुद को अर्ली मॉर्निंग ऐसे सूरज की किरणों में रखा हुआ पानी घूंट घूंट करके देती हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा मैजिकल ये रिजल्ट करता है। तो आप भी ट्राई करके जरूर देखें। आप मेरे फेस पे स्वेटिंग देख सकते हो बहुत ज्यादा। मैं ना अपना वर्कआउट ना घर में भी करती रहती हूँ, डांस कुछ भी करके,
ठीक है, तो आप लोग भी ये मत सोचा कीजिए कि डांस नहीं आता, डांस किसी को भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। तो मॉर्निंग में मैंने आज एश कार्ड के साथ मैंने आंवला लिया है, और आंवले को मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैंने ऐसे कट करके इसे मैं धूप में नहीं सुखाऊंगी, इसे मैं छांव में ही सुखाऊंगी, ताकि जब आंवलों का सीजन नहीं होता तो मैं ऐसे आंवले यूज करती हूँ, चाहे अपने जूसेस में हो, चाहे मुझे वैसे अपने किसी फूड में इसे शामिल करना हो। तो मॉर्निंग में एश कर्ड के साथ मैंने थोड़ा सा आंवला और थोड़ा सा अदरक आज लिया था, मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। तो जो मैं फर्स्ट चीज अपनी ले रही हूँ, आप देख सकते हो, ये मैं ले रही हूँ अंजीर वाला मेरा मिल्क। इसके अंदर कोई शुगर नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं है, और ये मैं इसलिए लेती हूँ, इससे मुझे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है, जो वीकनेस थोड़ी सी डाइटिंग करने पे आ जाती है। तो अगर आप ऐसे बिना किसी गुड़ के, शक्कर के या फिर खांड के भी, ये मत सोचा कीजिए कि चीनी ही आपको फैट देगी, नहीं, जो चीनी के दूसरे हम सप्लीमेंट्स लेते हैं वो भी फैट बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल 7 डेज के लिए कट कर दीजिए कि नहीं, नो मीन्स नो, नो शुगर। आप ऐसे अंजीर को ओवरनाइट अपने मिल्क में सोक करके रख सकते हो, तो उसको मिल्क को आप सिप सिप करके पीना, बहुत अच्छी एनर्जी आपको फील होगी और वेट लॉस में भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। और मेरा नहाना वगैरह हो चुका है सब, और आज की मेरी आप लोग देख सकते हो थोड़ी सी चबीनेस आ गई है, थोड़ा सा फील हो रहा है। और साथ में मैंने अपना, आप देख सकते हो, मैंने अपने बीटरूट, पोमोग्रेनेट और आंवले ले लिए। फ्रेंड्स, मेरा जो नुकसान हुआ है, एक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है कि सर्दियों में बहुत अच्छे आंवले मिलते थे, लेकिन अब नहीं मिलते इतने, मतलब थोड़े सूखे सूखे से मिलते हैं। तो उसका भी एक तरीका है कि आप उन्हें कट करके धूप में नहीं, छांव में सुखा के रख लीजिए एयरटाइट कंटेनर में, और फ्रिज में वो काफी टाइम तक चल जाएंगे, मतलब अप्रैल तक मेरा काम चल जाएगा। अभी तो आ रहे हैं पर इतने फ्रेश नहीं आ रहे जितने पहले आते थे। तो मैं जल्दी से अपने वर्क के लिए जाती हूँ और आप लोगों को बताऊंगी कि वापस आके भी मैंने क्या खाया और बाहर भी मैं क्या खाती हूँ। कोशिश करूंगी कि बिल्कुल भी बाहर का कुछ टच ना करूं, इसलिए मैंने साथ में अपना जो ब्रेकफास्ट है वो अपना कैरी कर लिया है, और लंच के ऑप्शन भी अगर मैं बाहर लेती हूँ तो फिर अपना हेल्दी ही लूंगी, कोई अनहेल्दी चीज अब नहीं उठाऊंगी। और जो ये कहते हैं ना कि टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, आप देख सकते हो, अगर हम चाहें तो एनीथिंग इज पॉसिबल। जैसे मैं ड्राइव करते करते अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट ले रही हूँ, तो मैंने जल्द भाजी में ना खा के धीरे धीरे खाया, और वापस आने के बाद मैंने व्हाइट चना, मेरा सैलेड देख सकते हो, इसके अंदर कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है, कोई सॉल्ट वगैरह नहीं, इसे भी बहुत अच्छी तरह से चबा चबा के खाया है। उसके बाद मैंने इवनिंग में अपनी रोजमेरी और दालचीनी का मैंने अपना टी ली है, मैंने तीनों टाइम यही टी ली है, और जो मेरा आज का डिटॉक्स वाटर था वो ऑरेंज और चिया सीड्स का था, बेस्ट, इंचेस लूज होंगे। और रात का मेरा आप डिनर देख सकते हो, मखाने वाली मेरी सब्जी, वन ऑफ माय फेवरेट। और रात को नाइट ड्रिंक मैं हमेशा जल्दी लेती हूँ, ज़्यादा लेट नाइट ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए, तो पाइनएप्पल स्लाइसेस, दालचीनी और जरा सा केसर। और आपको एक चीज़ मैं बताऊँ कि एक तो ये जरूर है कि मैं एक चम्मच भिगोए हुए सीड्स जरूर लेती हूँ। उसके बाद बहुत अच्छी मस्ती की, थोड़ी सी बेटे के साथ गपशप की, सब कुछ किया, और थोड़ा सा चीट मिल किया कि मैंने थोड़ी सी आइस कैंडी, आइसक्रीम खाई है। और फ्रेंड्स, मेरी बहुत अच्छी वॉक हो चुकी है, ज़्यादा तो नहीं हुई है क्योंकि वर्कलोड की वजह से, और वैसे भी मैं टाइम नहीं दे पाई अपनी वॉक को, पर मैंने इतना टारगेट जो लिया हुआ है कि हाँ इतनी तो मैंने वॉक करनी ही करनी है, वो मैं कर लेती हूँ। तो वो तो ऐसा है कि वो तो चाहे मैं कुछ भी हूँ, कि मेरी ये है कि 10 to 15,000 स्टेप्स तो मुझे डेली करने ही करने हैं, और वो एक मैंडेटरी अपनी, मैंने जैसे खाना खाना मेरे लिए ज़रूरी है, ऐसे ही मेरे लिए वॉक करनी भी बहुत ज़रूरी है। और आप मेरे पौधे देख सकते हो, बहुत प्यारे खिल चुके हैं, और सबसे ज़रूरी आपको मैं दिखाती हूँ, मेरे कड़ी पत्ता, और इतने प्यारे ग्रो कर चुके हैं ये, मतलब मुझे नहीं लगता था, मुझे छोटू सा मेरी मदर लेके आए थे ये कड़ी पत्ता, तो मुझे लगता नहीं था कि ये होगा ग्रो।
तो उसके बाद ही बहुत मेहनत करके मैंने इसे ग्रो कर लिया। तो ऐसे ही लाइफ होती है, अगर थोड़ी 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 हम मेहनत करते हैं ना तो रिजल्ट्स अच्छे ही आते हैं। जैसे ये फ्लावर्स हैं, ये मैंने बिल्कुल छोटी छोटी नर्सरी से मैं पौधे लेके आई थी और मैंने लगाए थे, और अब सब इनकी तारीफ जब करते हैं ना कि बहुत अच्छे लगते हैं, तो दिल से बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपने ऊपर वर्क कीजिए, देर सवेर कभी ना कभी तो आपके ऊपर भी रिजल्ट्स दिखेंगे। सबसे जरूरी है मोटिवेशन अपने अंदर लेके आने। जब आप मोटिवेटेड होके आप वर्क करते हो तो जो रिजल्ट्स है वो डबल ट्रिपल क्या कई सौ गुना बढ़ जाते हैं। तो हेल्दी रहिए, फिट रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही आगे मैं 7 डेज आपको बिल्कुल दिखाऊंगी। आपको 2 दिन में ही मेरे अंदर फर्क दिख गया होगा। ऐसे ही है, वाटर इंटेंशन होती है, फेस पे स्वेलिंग आ जाती है। तो जब हम अपनी रूटीन में चलते हैं, जब अपने ट्रैक पे चलते हैं, तो सारी चीजें हमारी कवर हो जाती हैं। तो सबसे जरूरी है हमारी हेल्थ ठीक करनी, वेट तो कम होता रहेगा। तो बाय बाय टू ऑल, गुड नाइट टू ऑल।